कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। साठ के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, वतन के रखवाले के डिजिटल संस्करण में आपका स्वागत है। भारत में बने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 ने पहली बार सफल उड़ान भरी। 15 मिनट तक आसमान में विमान की टेस्टिंग हुई। आखिर क्या है इस उड़ान के मायने और ये कितना अलग है पुराने तेजस से, बात करने के लिए हमारे साथ हैं एलसीए के टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन सुनीत कृष्णन। सर, पहला सवाल यही है कि जो आप टेस्ट पायलट है, आपके पास एक पूरा अनुभव है, तो आप दर्शकों को बता दें कि टेस्ट पायलट होते क्या है। कोई भी जहाज जो है जो प्रोडक्शन लाइन से फ्लाइंग के लिए अगर जाती है, जैसे एयरफोर्स में शामिल होने के लिए, तो सबसे पहली बार कोई फ्लाई करता है तो वो टेस्ट पायलट ही फ्लाई करते हैं, पूरा परीक्षण करते हैं और ये तय करते हैं कि ये विमान जो है उड़ने के लायक है या नहीं है, एक सर्टिफाई करते हैं। तो हमारे साथ है ग्रुप कैप्टन सुनीत कृष्णा जो टेस्ट पायलट रहे हैं एलसीए के। सर, ये जो उड़ान हुई है मार्क 1A की, वो कितना अलग है सर, क्या मायने रखता है ये? तो ये हम सभी के लिए एक बहुत ही गौरव का दिन था और हम सब ऐसे भारतीय, और मैं तो अब कहें तो भूतपूर्व टेस्ट पायलट हूं, मैं एलसीए मार्क 1 में के प्रोग्राम में शामिल था, और जो वर्तमान में जो मार्क 1A की जो फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट हुई है उसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन वेणुगोपाल ने की, और बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन है हम सभी के लिए, क्योंकि तेजस जैसे कि आप जानते हैं ऑलमोस्ट पिछले 24 साल से फ्लाई कर रहा है और हम भारतीय वायुसेना के बेड़े में भी 7-8 साल से शामिल है, 2 स्क्वाड्रन फ्लाई कर रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं जो टेक्नोलॉजी होती है इट हैज टू बी कंटिन्यूअसली उसको उसका नए वेपन सिस्टम्स आते हैं, नए हथियार, नए सिस्टम्स जैसे डेवलप होते हैं उनको इंटीग्रेट करना पड़ता है, और उसी के दरमियान भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट थी कि एक नया अपग्रेडेड तेजस बनाया जाए जिसमें कि जो वर्तमान में जो नए सिस्टम्स आ रहे हैं भारतीय वायुसेना में, नए हथियार आ रहे हैं, वो सभी उसमें इंटीग्रेट हो सके और अगले 2-3 दशक तक ये विमान भारतीय वायुसेना की सेवा में रहे, और इसी के चलते जो नए तेजस मार्क 1A का डेवलपमेंट किया गया है, और इसमें कई सारे नए सिस्टम्स इंटीग्रेट किए गए हैं। दिखने में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगे तेजस मार्क 1 और 1A में, लेकिन इंटरनली जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स पद्धति है, जैसे कि जो रेडार सिस्टम है, जो इसके प्रोसेसर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सिस्टम्स हैं, और जो फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, उसके जो हार्डवेयर सिस्टम्स हैं जो कि धीरे धीरे पुराने होते जाते हैं, उनको नए इलेक्ट्रॉनिक्स में बदलना पड़ता है, तो ये सब इसमें नए इंटीग्रेट किए गए हैं। ऑल्सो जो पिछले इतने सालों में जो नए अनुभव आए हैं इस जहाज को ऑपरेशनली फ्लाई करते हुए, जो इसके बैक इनपुट्स आए हैं वापस, उन सभी को का इम्प्रूवमेंट, चाहे वो रख रखाव में हो, उसके ऑपरेशंस में हो, जो पायलट्स ने कुछ नए रिक्वायरमेंट्स डाले होंगे, वो सभी इस नए वर्जन में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। तो यूं देखें तो जस्ट टू लिस्ट आउट, इसमें नए इलेक्ट्रॉनिक रेडार है जो कि ऐसा रेडार कहते हैं, बहुत ही कैपेबल रेडार है, एयर टू एयर मोड, एयर टू ग्राउंड मोड, एयर टू सी मोड, और कई सारे नए मोड्स हैं,
ज्यादा इसकी रेंज है और बहुत ही उन्नत रेडार इसमें अब इंटीग्रेट किया गया है, एंड इसमें नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर्स हैं, और जो इसका जो मिशन कंप्यूटर है वो भी एक नया भारतीय हमारे डीआरडीओ लैब्स में डेवलप किया गया है। इस तरह से ये जो नया विमान है ये कई सारे नए हवा से हवा में मार करने वाले हथियार एस वेल एस हवा से ग्राउंड में मार करने वाले हथियार इसमें इंटीग्रेट किए जा सकेंगे, और फ्यूचर में इट इज यू कैन से ये फ्यूचर रेडी है, भविष्य के लिए तैयार है ये जहाज। एंड तो सर अगर एक सीधे समान अगर समझे तो ये जो पुराना जो तेजस है हमारे पास से जिसके दो स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना में पहले से है उससे ये कितना अलग है सर? मैं कहूंगा इसमें बहुत सारे उन्नत नए सिस्टम्स हैं जो कि पिछले तेजस में जो लिमिटेशंस थी वो उनके उनको वेल बियॉन्ड की फ्यूचर लुकिंग एट द फ्यूचर मतलब जो अगले 30-40 साल तक जो सर्विस की वो सिस्टम्स इसमें इंटीग्रेट करेंगे जो मोर केपेबल हैं। सो पिछला तेजस अभी भी बहुत केपेबल है और अगले कई दशकों तक वो भी काफी केपेबल रहेगा, बट इट इज लाइक अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट मतलब कि लगातार हम नए सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं, उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो एक हमेशा संभव नहीं होता कि पिछले मॉडल में आप उसको इंटीग्रेट कर सकें बिकॉज ऑफ सर्टेन लिमिटेशंस। सो ये काफी तरह से नया जहाज है, मतलब मैं कहूंगा एटलीस्ट 40-50% ऑफ इंटरनल सिस्टम्स जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में चेंज है। तो क्या हम LCA मार्क 1A को जो है अपने क्लास का कैटेगरी का द बेस्ट एयरक्राफ्ट कह सकते हैं? ये तो समय ही बताएगा कि जहाज में क्या क्या नया हाउ इट परफॉर्म्स, अभी उसकी टेस्टिंग परीक्षण चालू हुए हैं, और लेकिन काफी कॉन्फिडेंस है कि इस सीरीज में ये एक विश्व का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट इन इट्स क्लास इट विल बी। इट्स अ 4.5 पीडी का जहाज बोलते हैं इसको, 4.5 जनरेशन, एंड इस क्लास में ये डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप लड़ाकू विमान है। सर थोड़ा सा समझाएं कि 4.5 पे जो पीढ़ी जो कहा जाता है, जनरेशन कहा जाता है, ये आखिर है क्या? कौन कौन जैसे जहाज इसमें कहते हैं, जैसे अगर थोड़ा सा हम दर्शकों को बताएं आप। इस कैटेगरी के जहाजों में अगर आप देखें तो जो स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रिपेन, यूरोफाइटर, रफाल भी 4.5 फिफ्थ जनरेशन है, तो इनके बहुत क्लियर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन से ग्रिपेन द F-16 अपग्रेडेड F-16 और F-18 ग्रिपेन, ये जहाज 4.5 की कैटेगरी में आएंगे, जो अब जो स्टेल्थ जो पैमाना है और जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं F-22 F-35 दे कम इन फिफ्थ जनरेशन एंड अबव फिफ्थ 5+ जनरेशन। सो इस तरह से कहें तो हमारे मौजूदा जो वायुसेना के पास बेड़ा है वो जनरली इसी कैटेगरी में सभी एयरक्राफ्ट आते हैं। तो यह जो एयरक्राफ्ट है अपने पीढ़ी के अगर आसपास की बात करें, ग्रिपन की आपने बात किया, F-16 की बात किया, तो कई जानकार ये भी कहते हैं कि उससे कहीं ज्यादा इसको कैपेबल मानते हैं, क्योंकि बहुत हल्का जहाज है, 6,500 किलो का जहाज है, पेलोड ज्यादा कैरी कर सकता है, और इसमें नया मार्क वन में एक हार्ड पॉइंट और बने हुए हैं जिसमें और ज्यादा वेपन कैरी कर सकते हैं, इसके जो मिसाइल है वो बेहतर है बियॉन्ड विजुअल, तो कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जो लगे इसको लोग बेहतर मानते हैं, थोड़ा बताएं इसके बारे में और डिटेलिंग सर। देखिए जो लड़ाकू विमान है अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, उनकी स्पीड मैक्स ऑल्टीट्यूड मैक्स मनूवरिंग, सभी इन जहाजों की इस कैटेगरी के जहाजों का मोर और लेस सिमिलर परफॉर्मेंस है, थोड़ा 19-20 बट आज के जो लड़ाकू विमान है जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो कि कौन से हथियार आप कैरी कर सकते हैं, आप उनको किस तरह से डिलीवर कर सकते हैं, आपके पास जो रेडार है, आपका युद्धक क्षमता है, जो आप हवा से हवा हवा से ग्राउंड हवा इस तरीके आप किस तरह से आप वेपन्स आप डिप्लॉय कर सकते हैं। सो ये जो कैपेबिलिटीज अगर आप देखें तो मैं मानता हूं कि तेजस का एक एडवांटेज ये है कि तेजस में
वेस्टर्न एज वेल एज रशियन दोनों तरफ के वेपन सिस्टम्स को कैरी करने, उनको डिलीवर करने की क्षमता है, क्योंकि हमने शुरू से ही ये एक एम रहा है कि सभी वेपन इसमें इंटीग्रेट हो सके, नॉट ओनली जस्ट द वेस्टर्न इक्विपमेंट, जो हमारे वायुसेना के पास रशियन फ्लीट्स के साथ भी जो वेपन्स है वो वेपन्स भी सब इंटीग्रेट हो सके। सो मैं समझता हूँ कि तेजस में विल डेफिनेटली हैव बहुत सारे नए हथियारों को इंटीग्रेट करने की क्षमता, और ये सभी एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक एक करके सभी इंटीग्रेट होंगे और डेवलप होंगे। और ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है, ये हमेशा डिबेटेबल कि कौन सा अधिक कैपेबल जहाज है, एंड मैं मानता हूँ कि तेजस इज डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप एयरक्राफ्ट और क्षमता वाला जहाज कहीं तो। आपने तेजस फ्लाई किया है सर, टेस्ट पायलट हैं सर, एलसीए के रहे हैं सर, तो आपको ज्यादा अनुभव होगा। तो आप जब फ्लाई करते थे तेजस को, हालांकि वो पुराना वर्जन था, अब तो नया आ गया है और ज्यादा ताकत और दमखम हो गया है, कैसा फील होता, क्या लगता था, क्या खास है इस पे? और भी जहाज आपने फ्लाई किए होंगे एयरफोर्स में सर, आप कहें तो आपने भी देखा होगा, जब आप तेजस को फ्लाई करते हुए जस्ट देखते हैं तो आपको बहुत ही गर्व महसूस होता है कि ये हमारा जहाज है, ये हमारे टेक्नोलॉजी से बना है, इसमें हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत मेहनत करी है, इतने सारे साइंटिस्ट इंजीनियर, और जब इतना इस जहाज को जब फ्लाई करते हैं तो आपको महसूस होता है कि ये जहाज आपकी रिक्वायरमेंट से बनाया गया है, भारतीय वायुसेना और भारतीय परिस्थितियों और मौसम और उनकी कंडीशंस के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है, पूरा बॉटम से फ्रॉम हर चीज हमारे हिसाब से इसको डिजाइन हुई है, और जो इतना अच्छा ये फ्लाई होता है और जब ये परफॉर्म करता है दूसरे रशियन और अमेरिकी फ्रेंच विदेशी विमानों के साथ, आप समझते हैं कि इसमें इट इज एज गुड इफ नॉट बेटर इन सो मेनी एस्पेक्ट्स। मतलब ये भारतीय मौसम, भारतीय कंडीशंस के हिसाब से बनाया गया जहाज है एकदम, और इसमें जितने वेपन्स हैं उतने वेपन्स यू डोंट सी अदर एयरक्राफ्ट बीइंग कैपेबल ऑफ, क्योंकि इसमें रशियन ने आप वेपन कैरी करते हैं, कभी आप वेस्टर्न वेपन कैरी करते हैं, और इसमें यूं कहें तो जब इसको डिजाइन और डेवलप किया जा रहा था तो दैट टाइम वी वर लुकिंग एट ऑल द बेस्ट, व्हाट द वेस्ट हैड टू ऑफर एंड व्हाट द ईस्टर्न ब्लॉक हैड टू ऑफर, द डिजाइन फीचर्स वी ऑल अडॉप्टेड, इसके अंदर जो जो सिस्टम्स हैं उसमें इनपुट्स हर तरफ से इनपुट्स आए हैं, और लगातार भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन किया गया है। नॉर्मली हम जब जहाज लेते हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बना होता है, नेटो ऑपरेशंस के लिए होता है, उसको हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके ले हिंदुस्तान, बाकी ये जहाज बॉटम्स अप हैज बीन डिजाइन फॉर, मतलब हमारी भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया। तो सर अगर बहुत ही गर्व किया तो सीधे अर्थों में समझे कि अगर बाहर से कोई जहाज खरीदते हैं तो अगर उसमें हम कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं या कुछ खास वेपन सिस्टम लगाना चाहते हो तो पहले हमें उनकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं। बिल्कुल, देखिए डिजाइन होती है, ये बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि जो डिजाइन होती है वो जो डेवलपर है उसका जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है उसके पास रहती है, आप इंडिपेंडेंटली कुछ भी मेजर मॉडिफिकेशन करना आपके लिए संभव नहीं होता, उसमें बहुत सारे अलग वारंटी क्लॉजेस और चीजें होती हैं, जबकि जहाज जो जैसे हमारा है इसमें हम कभी भी कुछ भी नया कुछ डेवलपमेंट होता है, कोई नया वेपन हम प्रोक्योर करते हैं और कुछ नया इम्प्रूव वर्जन करते हैं, हम उसको ये डिजाइन हमारे पास है, HAL के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, हमारे पास इसके सारे सॉफ्टवेयर कोड्स सब कुछ हमारे हाथों में है, तो इसमें कुछ भी नया इंटीग्रेट करना उसको प्रोग्रेसिवली अगले 20 सालों में हम नहीं जानते क्या क्या डेवलपमेंट होगा, वो सभी नई तकनीकें हम इसमें वापस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसको अपग्रेड कर सकते हैं, तो इसका कंटिन्यूस अपग्रेड होते रहिए, Mark 1A इज नॉट द लास्ट ऑफ द सीरीज, इसके बाद कई सारे नए वर्जन आएंगे ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन, पिछले अगले 10 20 30 सालों में नए सिस्टम्स आएंगे, डेवलपमेंट्स होंगे, और ये बहुत ही बड़ी क्षमता है जो हमारे इंडस्ट्री के पास है आज। तो जो फ्लाई हुई थी 15 मिनट की जो फ्लाई टेस्टिंग हुई सर, तो क्या माने मार्क 1A भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए
पूरी तरह से तैयार है 83 जो लिए जाने हैं ये? देखिए, फर्स्ट फ्लाइट जो हुई है ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसके बाद अभी कई सारी नई और फ्लाइटें होंगी जो कि हर सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा, हर सिस्टम का, हर वेपन को फायर किया जाएगा, उसका हर तरह से परीक्षण होगा, और इन सभी के बाद ही ये जो जो सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं इसको सर्टिफाई करेंगी कि ये अब ये जहाज रेडी है। अभी ये अभी भी डेवलपमेंट में ही कहा जाएगा और इसका एक पूरा प्रोसेस है जब तक दूसरे एयरक्राफ्ट भी प्रोडक्शन में आएंगे, और जब वायुसेना में जब शामिल होगा तब वील हैव एटलीस्ट सम नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, जब वो सब सारे रेडी होंगे तब इनको वायुसेना को हैंड ओवर कर दिया जाएगा ताकि वायुसेना इसको ऑपरेशनली डिप्लॉय कर सके। बट अभी इसमें काफी सारी टेस्टिंग और होनी बाकी है और होती रहेगी कंटिन्यूसली। तो ये जो लिया जा रहा है 83 जो एयरक्राफ्ट, 83 जो एयरक्राफ्ट LCA मार्क 1 भारतीय, इस साल से डिलीवरी शुरू हो जाएगी सर, ऐसा बताया गया भारतीय वायुसेना की ओर से, और इसको पाकिस्तान से लगी सीमा पर तैनात किया जाएगा। तो क्या हमारे एडवर्सरी के पास जिस तरह के एयरक्राफ्ट हैं, F-16 है, बाकी तो क्या LCA मार्क 1 सक्षम है सर? इसमें कोई शक नहीं है कि तेजस बहुत ही केपेबल एयरक्राफ्ट है और भारतीय वायुसेना के जंबाज पायलटों के हाथ में ये और भी केपेबल एयरक्राफ्ट बन जाता है, और हमारे जो वेपन सिस्टम्स हैं, मोस्ट एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स हैं, आई थिंक इस जहाज के साथ वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंस दैट ये किसी भी तरह के रोल में इसको डिप्लॉय कर पाएंगे, और इसको वेदर इट इज वेस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न फ्रंटियर, एनी टाइप ऑफ रोल, इट्स ए मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है ये, सो इट गिव्स अ ग्रेट कैपेबिलिटी भारतीय वायुसेना को। मतलब किसी भी तरह की चुनौती आए, चाहे वेस्टर्न बॉर्डर की बात करें चाहे ईस्टर्न बॉर्डर की बात करें, तो हर जगह ये चुनौती को निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है, तैयार है ये। इसको पूरी तरह से वायुसेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन किया गया है, तो ये बिल्कुल भारतीय डिफेंस के लिए तैयार है, इसको बनाया ही इसीलिए गया है। पर एक अंतिम सवाल की फिर से एक बार जो है LCA तेजस मार्क 1 की अगर खूबियों के बारे में बता सके, देशवासी जान सके कि कितना ताकतवर है ये एयरक्राफ्ट, कितना दमखम है ये, इस एयरक्राफ्ट की बात करें तो। सर देखिए, इसमें बहुत सारे नए सिस्टम्स इंटीग्रेट किए गए हैं। सबसे पहले तो इसमें एक बहुत ही उन्नत इलेक्ट्रॉनिकली वॉरफेयर सूट इंटीग्रेट किया गया है। इसमें नया एक रेडार लगाया गया है, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड मोड वाला रेडार, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली उसको ऐसा रेडार बोलते हैं, जिसमें कि कहें तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए एरे हिज हैं, और इसमें रेडार आप सोचें तो एक बहुत ही मुख्य उपकरण है फाइटर प्लेन में, जो कि जितने आपके वेपन सिस्टम्स हैं आपको उनको डिलीवर करने में, दुश्मन के विमानों को हवा में पकड़ने के लिए, उनको टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने में मदद देता है, और गाइड करने, जो वेपन्स फायर करते हैं उनको गाइड करने में मदद देता है। सो इसे बहुत ही उन्नत रेडार इसमें इंटीग्रेट किया गया है, और इसमें स्वयं को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक जैमर पॉड लगाया गया है, और जो कि आपको दुश्मन के रेडार, दुश्मन के हवाई जहाज से बचाता है, उनको इलेक्ट्रॉनिक जैम कर देगा, उनके वेपन्स को जैम कर देगा, तो इसको सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर बोलते हैं, वो लगाया गया है। इसके इसमें जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स और इंटीग्रेट करने की क्षमता है, और इसमें नई कई सारी, सर अगर बियॉन्ड विजुअल रेंज की बात करें तो जिसको हम अपनी आंखों से पायलट देख नहीं सकता है, 100-150 किलोमीटर तक आप हिट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बिना देखे सिर्फ रेडार के उसमें पिकअप करके आपको, आप मिसाइल को फायर करके और दुश्मन के विमान को आप धाराशाही कर सकते हैं, टारगेट पलट सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही प्रिसीजन मिसाइल्स हैं ये, और बहुत कैपेबल मिसाइल्स होती हैं। इसी तरह से बहुत सारे नए हवा से जमीन पे मार करने वाले वेपन्स भी इंटीग्रेट किए जाने हैं इसमें, जो कि वेरी लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं,
प्रिसिशन वेपन्स हैं जो नए हम भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो रहे हैं, वो सभी और जो हमारे डीआरडी और रक्षा अनुसंधान संस्थाएं जो नए वेपन्स का परीक्षण कर रही हैं, वो भी इस जहाज में अल्टीमेटली इंटीग्रेट होंगे और उनका परीक्षण किया जाएगा और उनको यूज किया जा सकेगा। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 की खूबियों के बारे में आपने हमें बताया सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। साठ के दशक में जब इंडियन एयर फोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।